सरकारी कर्मचारी भी अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में खुलेआम हिस्सा ले सकेंगे और इस संघ की सदस्यता या उसकी गतिविधियों में भाग न लेने वाला दिशा निर्देश केंद्र सरकार ने वापस ले लिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। गत 9 जुलाई को केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए दिशा निर्देशों की यह शर्त हटा दी है। सरकार के इस निर्णय के बाद सुनील आंबेकर, अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गत 99 वर्षों से सतत राष्ट्र के पुनर्निर्माण के विभिन्न कार्यों में लगा हुआ है और समाज सेवा के विभिन्न कार्यों में वो सतत संलग्न है। राष्ट्र की सुरक्षा, एकता, अखंडता एवं प्राकृतिक आपदा के जितने भी समय आता है उस समय समाज को साथ में लेकर संघ के कार्यकर्ता लगातार अपना योगदान देते हैं। ऐसे कार्यों को समाज के विभिन्न प्रकार के नेतृत्व में समय समय पर संघ के इस कार्य की प्रशंसा भी की है, परंतु अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते तत्कालीन सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक कार्य करने वाले संगठन के गतिविधियों में भाग लेने के लिए पाबंदी लगाई गई थी। वर्तमान के शासन ने आज उस पाबंदी को जो हटाया है, ये निर्णय समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये निर्णय पुष्ट करेगा।